दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। रीवा जिले की पुलिस के द्वारा आए दिन कोई न कोई नया बखेड़ा खड़ा कर दिया जाता है और उसके बाद भी आला अफसरों के द्वारा नरमी बरती जाती है। गौरतलब हो कि थाना पनवार के ग्राम बॉस अड़वा निवासी नितिन कुशवाहा पिता खुशीलाल कुशवाहा को शाम के तकरीबन 6-7 बजे के लगभग बाढ़ी रूंधते समय गांव के ही निवासी राकेश कुशवाहा विजय कुशवाहा कुल्हाड़ी लेकर मां बहन की गालियां देते हुए दौड़े और नीतीश कुशवाहा के सर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिए, जिसके कारण नीतीश कुशवाहा बेहोश हो गया। नीतीश कुशवाहा की भाभी ज्योति कुशवाहा के द्वारा 100 डायल को फोन करवाया गया, जहाँ 100 डायल वाहन नीतीश कुमार को लेकर पनवार थाना गई। पनवार थाने में पदस्थ मुंशी के द्वारा घायल व्यक्ति एवं उसके परिवार को गाली गलौज करते हुए कुल्हाड़ी के जगह लाठी दिख दिया गया। पुलिस के द्वारा कहा गया कि यदि नेतागिरी करोगे तो तुम्हारे घर पर बुलडोजर चलवा देंगे, जिसके कारण पूरा घायल परिवार दहशत में। मारपीट करने वाले आरोपियों का शायद पनवार पुलिस से तालमेल बनाकर मारपीट किया गया है और यही कारण है कि पुलिस के द्वारा घायल परिवार के साथ थाने में अभद्रता की जा रही है। घायल परिवार के द्वारा पुलिस की प्रताड़ना से तंग होकर मीडिया के सामने अपना बयान रखते हुए पुलिस अधीक्षक रीवा से तत्काल न्याय की गुहार लगाई है। और तेरा हम घर बुलडोजर से गिरवा देंगे, तो हम बचन डरा गए तो फिर जब रिपोर्टे गलत खड़ा सब लिख दी और कहें कि जा सवेरे 10 बजे तो हाँ जब घर गिरा देते हैं तो डरा गए अब कहाँ रहा था ना खा जाए तो फिर यहीं से सब काम डरान फिर रहे हैं कि कहाँ जाए कैसे गुहार लगाई कि हमका न्याय मिले। तो हम लोग बहुत चिंतावन पूरा परिवार दुखी बैठे है। क्या नाम है? नीतीश कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? पौसड़वा थाना पनवार जिला दीवा मध्य प्रदेश। क्या समस्याएं हैं? सर मैं अपना बाड़ी ढूंढ रहा था और बाड़ी ढूंढने के बाद चले गए शायद खेत से गेहूं काटने के, और विपक्षी लोग बाहर आए देखे ढूंढा था उसको। कौन कौन देखे? राकेश कुशवाहा और उनके परिवार। अच्छा, उन लोगों ने उसको तोड़ दिया। जब उन लोगों को पता चला कौन तोड़ा है तो घर वालों ने बताया कि वो लोग तोड़े आके साहब वापस उसको ढूंढने लगे, और ढूंढने के बाद जब हम लोग तैयारी बनाए पूरा अपना ढूंढने के लिए तो उन लोगों ने सबरी और फरसा सब लेके बाहर आ गए थे, कुल्हाड़ी भी लेके आए सर और माता चौथ बहन चौथ की गाली देने लगे। उसके बाद हम लोगों ने कहा सर गाली मत दो, हम लोग अपना ढूंढ रहे गाली। तो उन लोगों ने आकर आगे बढ़ा और उसके बाद थपाड़ी और उसके बाद साहब बहुत ज़्यादा बहन चोर गाली देने लगे, सब पूरे घर वालों को गाली देने लगे। उसके बाद बोले तो उसको जान से मार दूंगा और बहुत ज़्यादा खून बहने लगा था। उसके बाद हम लोगों ने 100 नंबर पुलिस में फ़ोन किया और उसके बाद फिर पुलिस आई, पूरा उसको दिखाया वहीं पे और उसके बाद फिर थाने गए। थाने गए जब तो वहाँ पे कंप्लेन लिखवाने लगे, उन लोगों ने आधा की है कंप्लेन लिखा और बोले कि जो तुम्हारा कंप्लेन है तो हम कर देंगे। और उसके बाद फिर पनवार थाना गए, पनवार थाना पूरा रिपोर्ट लिखी, रिपोर्ट लिखे के बाद आधा की है रिपोर्ट लिखी बोले हम लोग पुलिस को, वो लोगों ने भी अपना रिपोर्ट लिखवाया और गांव में बोल रहे थे साहब कि हम लोग पुलिस को खरीद लिए हैं।